अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेंथ इंग्लिश आज ईद के बाद पहला लेक्चर है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ हमारा रहता है। इस लास्ट पैराग्राफ के बाद आज हमारे फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन दिनों में, छुट्टी के दिनों में जो है, इस चैप्टर को रेडी कर लिया होगा ज़रूर। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पहला जो वर्ड है, सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड है प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब साबित किया। ये प्रूव का पास्ट इंडेफिनिट है। प्रूव्ड साबित किया। फर्म, फर्म पुख्ता, पक्का। ये फर्म होता है, फिर्म नहीं पढ़ना है इसको, मतलब फर्म पुख्ता। इंटरेस्ट मुफाद, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब है मुफाद। नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस का मतलब होता है अजीज़ो अकारब। अजीज़ो अकारब कौन सा होता है? जो हमें अजीज़ हों, जो हमारे करीब हों, जो हमारे प्यारे हों, उनको हम कहते हैं अजीज़ो अकारब, नियर एंड डियर। फो दुश्मन, जिसको हम एनिमी कहते हैं, एनिमी, फो दुश्मन। फियर खौफ, फियर खौफ। फेवर हमायत, फेवर हमायत। मैग्नीट्यूड अजमत, अहमियत, कदोकामत। मैग्नीट्यूड अजमत, अहमियत। ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स का होता है मावरा होना, आगे निकल जाना, यानी किसी हदूद में ना होना, हद में ना होना, किसी रुकावट में ना आना, उससे आगे निकल जाना, इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस। उसके बाद है बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट होता है, बैरियर रुकावट, जिसको हर्डल कहते हैं, हद भी इसको कहते हैं। टाइम एंड स्पेस, ज़मानो मकान। ज़मानो मकान शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल वर्ड लगे, लेकिन इंग्लिश में कितना आसान है। टाइम एंड स्पेस, स्पेस क्या होता है? ये जो हमारे इर्द गिर्द का की सारी जो जगह है, इसको स्पेस कहते हैं। टाइम वक्त को कहते हैं, यानी वक्त और जगह। वेरियस मुख्तलिफ, जिसको डिफरेंट कहते हैं हम, वेरियस मुख्तलिफ डिफरेंट। प्रोवाइड मुहैया करना, प्रोवाइड मुहैया करना। फील्ड शोभा, फील्ड शोभा। एक्टिविटी सरगर्मी या काम। मेंशन जिक्र करना। एस्पेक्ट पहलू, एस्पेक्ट का मतलब पहलू। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। अल्लाह रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूव्ड साबित कर दिया बाय हिज ओन एग्जांपल, अपनी मिसाल से, दैट नो वन के कोई नहीं, कुड भी हो सकता, मोर ज़्यादा, फर्म पुख्ता, पक्का, पुर अज़म, फॉर जस्टिस इंसाफ के लिए, दैन हिम आपसे ज़्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से ये साबित किया कि आपसे ज़्यादा इंसाफ के लिए पुर अज़म, पुख्ता और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित कर दिया कि आपसे ज़्यादा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसाफ के लिए पुरअज़म और कोई नहीं हो सकता। इवन हत्ता के, इफ़ इट वाज, हत्ता के अगर ये होता, अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, अगेंस्ट के खिलाफ, हिज ओन अपने इंटरेस्ट मुफाद के, हत्ता के ये उनके अपने मुफाद के खिलाफ होता, और द इंटरेस्ट ऑफ द, या फिर उनके मुफाद के खिलाफ, हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आपको अजीज़ और प्यारे थे। हत्ता के ये आपके अपने मुफाद के ख़िलाफ़ होता या उनके मुफाद के ख़िलाफ़ होता जो आपको अजीज़ और प्यारे थे। ही डिसाइडेड, आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाते, एवरी केस, हर मुकदमे का, ब्रॉट टू हिम, जो आपके पास लाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुकदमे का फ़ैसला फरमाते थे जो आपके पास लाया जाता, बाय फ्रेंड और फो, दोस्त या दुश्मन की जानब से, विद जस्टिस इंसाफ के साथ। यानी आपके पास कोई दुश्मन लेके आता मुकदमा या दोस्त मुकदमा लेके आता, आप जो उसका फ़ैसला है वो इंसाफ इंसाफ के साथ फरमाते थे,
विदाउट बगैर फियर खौफ और फेवर या हमायत के, बगैर किसी खौफ या हमायत के। यानी दुश्मन लेके आता तो आप खौफ ना खाते, दोस्त लेके आता तो आप उसकी हमायत ना करते, बल्कि जो भी मुकदमा आपके पास लाया जाता आप उसका फैसला इंसाफ के साथ फरमाते थे। अ पर्सन, एक शख्स या शख्सियत ऑफ सच मैग्नीट्यूड, इतनी कदोकामत की, इतनी अजमत की, एक इतनी अजीम शख्सियत ट्रांसेंड्स मावरा होती है, आगे निकल हो जाती है द बैरियर्स, हदूद से, रुकावटों से, ऑफ टाइम एंड स्पेस, जमानो मकान की। एक इतनी कदोकामत वाली शख्सियत या एक इतनी अहमियत वाली शख्सियत जमानो मकान की रुकावटों से आगे निकल जाती है। यानी जमानो मकान की रुकावटें जो हैं वो इस तरह की जो अजीम शख्सियत है उसको रोक नहीं सकती। पीपल ऑफ ऑल एजेस, लोग ऑफ ऑल एजेस, तमाम अदवार के, कैन फाइंड समथिंग, कुछ ना कुछ पा सकते हैं, इन हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, टू प्रोवाइड देम, जो उनको मुहैया करे विद गाइडेंस, रहनुमाई, इन देयर वेरियस फील्ड, उनके मुख्तलिफ शोबों में ऑफ एक्टिविटी, सरगर्मी के, यानी उनके काम के मुख्तलिफ शोबों में। पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम अदवार के लोग, कैन फाइंड समथिंग, कुछ पा सकते हैं, इन हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से, टू प्रोवाइड देम, जो उनको मुहैया करे विद गाइडेंस, रहनुमाई, इन देयर वेरियस फील्ड, उनके मुख्तलिफ शोबों में ऑफ एक्टिविटी, सरगर्मी के। यानी तमाम द्वार के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, जो उनको प्रोवाइड करे, मुहैया करे रहनुमाई, उनकी, उनके काम के मुख्तलिफ शोबों में। ठीक है, यानी जो भी शख्स है, जो भी वो काम करता है, उसका जो भी एक्टिविटी का शोबा है, वो कुछ ना कुछ आप सल्लम की ज़िंदगी से पा सकता है, जिससे उसको रहनुमाई मिले। द होली कुरान क्लियरली मैंशंस, कुरान पाक में बड़े वाज अंदाज में जिक्र है दिस आस्पेक्ट, इस पहलू का, ऑफ हिज लाइफ, आप सल्लम की ज़िंदगी के। कुरान पाक में आप सल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू का जो जिक्र है वो बड़ा वाज तौर पर है। क्या है वो? इंडीड, बिला शुबा, बेशक, इन द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यू हैव ए गुड एग्ज़ाम्पल, एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है, अच्छी मिसाल है, टू फॉलो फॉर हिम, फॉलो करने के लिए, अमल करने के लिए, फॉर हिम, उसके लिए, हु होप्स, जो उम्मीद रखता है, फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, मीटिंग, मुलाकात की अल्लाह के साथ, एंड द लास्ट डे, और रोज़े, क़्यामत की उम्मीद रखता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को बहुत याद करता है। कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़िंदगी के इस पहलू का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है। बेशक अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अच्छी मिसाल है, उसके लिए जो उम्मीद रखता है अल्लाह से मुलाकात की, और रोज़े क़्यामत की, और जो अल्लाह को बहुत याद करता है। ठीक है बच्चों, कल से हम, ये आज जो है वो इसका ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई है, कल से इंशाल्लाह हम इसको इसकी करेंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़। को बात ना समझ आए तो पूछिएगा।